रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 34। आप सब बच्चे अपने पेज नंबर 34 पे आ जाइए और पेज नंबर 34 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पे आज का जो मेरे पास टॉपिक है वो है जी द पंपिंग साइकिल। यानी कि पंपिंग साइकिल से हम लोगों को एक चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, यानी कोई चीज़ है जिसको पंप करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पंपिंग साइकिल के अंदर बेसिकली इसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है, उसके वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस सारे के सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द राइट आर्ट्रियम थ्रू द लार्ज ब्लड वेजल कॉल्ड द वेना कैवा। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से इंटर होगा। सबसे पहले कहाँ इंटर होगा? हमारे हार्ट के अंदर इंटर होने के लिए सबसे पहले वो हमारे राइट आर्ट्रियम में इंटर होगा। और राइट आर्ट्रियम में कैसे इंटर होगा? वो एक बड़ी सी ब्लड वेजल के थ्रू इंटर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेना कैवा। ठीक है, पहली लाइन का मतलब, अब फंक्शन बस अगर आप लोगों ने समझ लिया ना तो समझिए आप लोगों को ये वाला टॉपिक याद हो गया। ठीक है, ब्लड जो है वो हमारे सबसे पहले हमारी बॉडी से राइट आर्ट्रियम में हार्ट की इंटर होगा। अब राइट आर्ट्रियम में कैसे इंटर होगा कि वो एक लार्ज ब्लड वेसल के थ्रू वेना कैवा, जिसको हम लोग वेना कैवा कहते हैं, उसके थ्रू राइट आर्ट्रियम में इंटर होगा। ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। अब जो ब्लड है वो लंग्स से, जो ब्लड था वो राइट आर्ट्रियम में किससे, बॉडी से इंटर हो रहा था, और जो लंग्स से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम में किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन से। यहाँ पर वेना कैवा के थ्रू, राइट में वेना कैवा के थ्रू इंटर हो रहा था और लेफ्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर हो रहा है। ठीक है जी, द आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट टूगेदर पुशिंग ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो आर्टेरिया है, ठीक है, आर्टेरिया, ठीक है, वो क्या होगी हमारे पास, वो कंट्रैक्ट होगी। ठीक है, और फिर वो ब्लड को पुश करेगी, धक्का देगी, कहेगी कि जाओ यहाँ से, किधर की तरफ जाओ, वेंट्रिकल्स की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द एरोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एरोटा की तरफ जाएगा, एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और ये कब होगा, जब एरोटा, जब जो हमारा जो ब्लड है वो पुश होगा, अरे आर्टरी कहेगी कि जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है, तो वो अरोटा जब निकलेगा तो वो राइट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अरोटा में चले जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कहाँ पे चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, एवरी कॉन्ट्रैक्शन द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। अब जब देखिए, जब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास दोनों सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम में, अलग अलग टाइम में नहीं, दोनों एक ही टाइम में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दोनों एक टाइम में परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, दोनों एक टाइम में तो काम यूं पंप करेंगे। ठीक है, अब जो राइट वाला होगा वो एरोटा, राइट वाला जो जो हमारे पास कि कौन सा वाला, जो लेफ्ट वाला होगा वो एरोटा में चले जाएगा, लेफ्ट वाला जो होगा वो एरोटा में चले जाएगा, और राइट वाला होगा वो पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है लेफ्ट और राइट की, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग हार्ट बीट का नाम दे देते हैं। इन फैक्ट देयर इज रियली अ डबल बीट इन सिंस द आर्टरी इज कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल। यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि हम लोग उसकी बीट की धड़कन को भी हम लोग महसूस करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट इफ ब्लड इज फ्लो थ्रू द हार्ट इन द राइट डायरेक्शन। ये जो धड़कन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे जो ब्लड है जो हमारा हार्ट में अगर सही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है हमें सही धड़कन महसूस होगी अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर वो इन लोगों ने देखी, ये हम लोगों को ऑल चैम्बर आर रिलैक्स एंड द ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट। ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, हार्ट चैम्बर रिलैक्स है, फिर आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में उसने ब्लड को पुश किया, आर्टरी आर रिलैक्स। अब पहले इसने जब कॉन्ट्रैक्ट था तो उसने ब्लड को पुश किया था वेंट्रिकल सेल्स की तरफ, ठीक है, और द आर्टरी रिलैक्स, द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग टू द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, और जब आर्टरी रिलैक्स होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली है दोनों। ठीक है, जब आर्टरी रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। ठीक है, तो जब आर्टरी रिलैक्स होगा तो फिर ब्लड जो है वो हार्ट से निकल जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड के अंदर इंटर हो रहा होगा, हार्ट इंटर हो रहा होगा। ठीक है, हार्ट ब्लड के अंदर इंटर हो रहा होगा। अच्छा, योर हार्ट बीट अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट व्हेन यू आर रेस्ट,
बट दिस कैन इंक्रीज टू वेल ओवर 100 टाइम्स अ मिनट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट. यानी कि वो हमारा जो नॉर्मल, अभी हम में नॉर्मल हूँ ठीक है, तो मेरा हार्ट कितनी टाइम 1 मिनट के अंदर धड़क रहा है, वो 70 टाइम्स धड़क रहा है ठीक है. जबकि मुझे कोई खुशी है या मैंने कोई बहुत हार्ड काम परफॉर्म किया है या मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ ठीक है, तो हमारा डबल ट्रिपल यानी 100 टाइम्स तेज धड़कन हो जाएगी. यू कैन इजिली मेजर योर हार्ट बीट बाय टेकिंग योर पल्स. हम लोग यहाँ पे होती है ना पल्स, हम लोग अपनी पल्स को महसूस करके हम लोग अपनी हार्ट बीट को बता सकते हैं कि यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको अपनी एक धड़कन महसूस होगी ठीक है, और आप फिर उसको 1 मिनट के अंदर देख लेंगे कितनी बार आपको यहाँ से धड़कन महसूस होती है, तो आप अपनी वो हार्ट बीट को महसूस कर सकते हैं. दिस इज अ सर्च ऑफ ब्लड ड्यूरिंग प्रोड्यूस इन द आर्टरीज एवरी टाइम इन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट ठीक है. और ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे आर्टरीज, ये हमारी आर्टरीज होती हैं ठीक है, जहाँ जब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये आर्टरीज हमें बताती हैं कि हमारा ये इस तरह से फील होता है. यू कैन फील अ पल्स विद योर फिंगर टिप एट योर रिस्ट व्हेन एन आर्टरी पासिस बिटवीन अ बोन एंड द सर्फेस ऑफ द स्किन ठीक है. आप अपनी ये अपने रिस्ट से आप इसको देख सकते हैं ठीक है. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. क्वेश्चंस के ऊपर आ जाइए, तो व्हाट डू द वेल्व डू इन द हर्ट. वेल्व क्या करता है हर्ट के अंदर ठीक है. तो इसका आंसर है जी, तो इसका आंसर आप लिखेंगी वेल्व कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अवर आर्टरीज एंड वेंट्री सेल्स ठीक है जी. उसके बाद फिर आ जाते हैं, द पार्ट इज द हर्ट इज अ पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी. हाउ डज इट गेट इट्स ब्लड सप्लाई ठीक है. तो इसके अंदर आप ही वाला सारा पंपिंग सिस्टम लिख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि किस तरह से वो उसके अंदर आ रहा है ठीक है. आप पल्मोनरी यहाँ तक बस लिख दीजिएगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिएगा ठीक है. डिस्क्राइब द पंपिंग साइकिल ऑफ द हर्ट. पंपिंग साइकिल आपने पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है, तो ये पूरा का पूरा पंपिंग साइकिल आ जाएगा ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद फिर आ जाते हैं, इफ़ यू लिसन केयरफुली टू समवंस हर्ट थ्रू अ स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप होता है बेटा जी, जिससे हम लोग अपनी हार्ट बीट को ना, एक मशीन होती है जिसके थ्रू, वो जो अक्सर डॉक्टर्स ने भी पहनी भी होती है वो ठीक है. उसके इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ना अपने हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं ठीक है. हम लोग पता चल सकते हैं हमारी धड़कन किस तरह की हो रही है. यू कैन हेयर अ डबल बीट, आप डबल बीट सुन रहे होते हैं. अ फेंट वन अलाउड बाय अ लाउडर वन जस्ट फॉर रीजन. हम दो धड़कने क्यों सुनते हैं ठीक है. तो इसका आंसर है जी यहाँ पर, यू कैन अच्छा इसका आंसर यहाँ पर है, ब्लड प्रोड्यूस्ड यहाँ से, ब्लड प्रोड्यूस्ड इन द आर्टरीज एवरी टाइम द वेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है. यहाँ तक कि जब भी वेंट सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब हम लोग उसकी धड़कन सुनेंगे ठीक है जी. फिर व्हेन द आर्टरी पासेस अबव बोन ऑन यहाँ तक, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ से फिर आगे आपने यहाँ तक आखिर तक लिख लेना है ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो ये था इसका आंसर, होप्स आपको समझ आ गया होगा. अगर आज की आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक तो पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.